हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अकांक्षा से आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट, अवर सराउंडिंग। सो ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। चैप्टर वन, अवर सराउंडिंग। सिया लिव्स इन ए फार्म हाउस। सिया कहाँ रहती है? फार्म हाउस में रहती है। हर फादर एंड ब्रदर टेक गुड केयर ऑफ द गार्डन एंड पॉन्ड नियर देयर हाउस। उसके घर के पास गार्डन और पॉन्ड है, जो कि उसके फादर और ब्रदर उसकी दोनों की बहुत ही केयर करते हैं। देयर आर प्लांट्स इन द पॉन्ड। पॉन्ड्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं दैट सर्व एज फूड फॉर सम ऑफ द स्मॉल फिश, जो कि इस छोटे छोटे फिश के लिए फूड की तरह काम करते हैं। सिया वंडर्स व्हाई हर फादर एंड ब्रदर नीड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन एंड पॉन्ड। सिया बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि उसके पिता और भाई नीड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन एंड पॉन्ड। वो उन्हें पॉन्ड और गार्डन की टेक केयर करने की जरूरत क्यों है? हर फादर एक्सप्लेन दैट द थिंग्स। तब उसके पिता उन्हें उसे सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अराउंड अस फॉर्म ए पार्ट ऑफ अवर सराउंडिंग। उसके चारों ओर के जो भी पार्ट हैं वो उसकी सराउंडिंग को कैसे बनाते हैं और वो कैसे उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। एंड अवर सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और हमें अपने सराउंडिंग को यानी कि अपने आस पास के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। Turn your page and look at in the page number 6, our surroundings. Look at in the page number 6, our surroundings. All the things around us form our surroundings. सभी चीजें हमारे चारों ओर जो पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? Our surrounding. Our surrounding means हमारे चारों ओर हम लोग जिस चीजों से घिरे हुए हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, उन्हें our surrounding बोलते हैं। All the things around us form our surrounding. हमारे चारों ओर जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Our surrounding. It includes all living and non-living thing. अब उसमें living thing भी हो सकते हैं और non-living thing भी हो सकते हैं। Living thing में क्या होगा? जिसमें life होगी, for example जैसे plants and animals, all animals, सभी animals और plants, जिसमें life है वो चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं और घूम सकते हैं। और non-living things जैसे जिसमें लाइफ ना हो, जैसे डेस्क, बेंच, चॉक, बुक्स एक्सेट्रा। अवर सराउंडिंग हेल्प अस टू फुलफिल अवर नीड्स। हमारे चारों ओर हमें क्या मदद करती है? फुलफिल अवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। द थिंग्स फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स हेल्प अस टू प्रोवाइड फूड वी ईट एंड वर्क फॉर अस टू सर्वाइव। द थिंग्स फाउंड इन अवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो हमें हेल्प करती है। किसमें? प्रोवाइड फूड, फूड देने में। वी ईट जो हम खाते हैं एंड वर्क फॉर अस टू सर्वाइव और हमें काम करने में, जिसकी वजह से हम लोग लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पार्क है, पार्क में क्या होता है? बहुत सारी खेलने कूदने की चीज़ें होती हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। मार्केट से हम लोग फल, सब्जियाँ, फ्रूट ले सकते हैं और भी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। स्कूल में हम शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है। ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं जो भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए काम आते हैं। अवर होम और हमारा घर और बैंक, ये सभी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं। तो इसमें ये सभी क्या है? हमारी सराउंडिंग है। सी द पिक्चर्स गिवन बिलो, होम एंड स्कूल। इस पिक्चर को आपको देखना है, होम बना है इधर और इधर स्कूल है। कैन यू नेम टू थिंग्स फॉर्म सराउंडिंग ईच अबव। ऊपर होम और स्कूल के आसपास कोई भी, कैन यू टू थिंग्स, दो चीज़ें आप बता सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है? एट होम, होम के आसपास क्या है? गार्डन है, गार्डन है, प्लांट्स है। और एट स्कूल, स्कूल के पास क्या है? लैंड है, पॉन्ड हो सकता है और गार्डन हो सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक, क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग। साफ सुथरा और हरे सराउंडिंग। हरे सराउंडिंग मतलब जहाँ पे प्लांट हो, अधिक से अधिक ग्रीन पेड़ पौधे हों। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग, साफ सुथरा और हरे सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर एरिया कैसा हो, हरा भरा हो, पेड़ पौधे हो, ग्रीन प्लांट्स हो। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड स्टेट विच सराउंडिंग डू यू लाइक एंड व्हाई। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन दोनों पिक्चर को आप देखिए एंड स्टेट विच सराउंडिंग डू यू लाइक। आप कौन
सभी चीजें बिखरी हुई है, डस्टबिन से सारा सामान फेंका हुआ पड़ा है, तो आप क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरा है और हरे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम लोग पिक्चर फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें फेंकी हुई पड़ी हैं, डस्टबिन नहीं है, बाहर है सारे कचरे और ये साफ सुथरा नहीं है और पेड़ पौधे यहाँ पे कम है। वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन टू लीव हेल्दी लाइफ। हमें अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए टू लीव हेल्दी लाइफ। हमें अपने हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने चारों ओर का वातावरण को साफ रखना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग अट्रैक्ट फ्लाइज। जो गंदे सराउंडिंग होंगे, जहाँ के एरिया आस पास का गंदा होगा, वो क्या वहाँ पर क्या होंगे, फ्लाइज, मक्खियाँ आएंगे, मॉस्किटो आएंगे, मच्छर आएंगे, इंसेक्ट्स कीड़े आएंगे। दे कैन कॉज डिजीजेस, वे हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, इन तरह की बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज ऑन द स्ट्रीट और रोड्स। हमें वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट, हमें वेस्ट मटेरियल को या फिर गार्बेज, कूड़े करकट को गलियों या रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन, हमें इन सब चीजों को कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन यानी कि कूड़े के डिब्बे में फेंकना चाहिए। हमें वेस्ट मटेरियल को, खराब या गंदे मटेरियल को डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट्स अराउंड अवर होम, हमें अपने घर के चारों ओर क्या लगाने चाहिए, ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए। दे मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो कि हमारे घर के आसपास के एयर को क्या करेंगे, क्लीन एंड फ्रेश रखेंगे। कॉन्सेप्ट चेक, सी द फॉलोइंग पिक्चर्स, सी द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए एंड मार्क ए टिक, और इस पर टिक करिए बिलो दोस थिंग्स दैट यू वुड लाइक, कौन कौन सी चीजें आप पसंद करते हैं टू हैव इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में हो। अब देखिए मार्केट, आप मार्केट पसंद करेंगे क्योंकि मार्केट से आप सारी चीजों को ले सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इसलिए इस पर हम लोग टिक करेंगे। डम साइड हम अपने घर के आसपास नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ कूड़ा कचरा फेंका होगा, एरिया गंदा होगा, तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें डेंगू, हैजा, कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम लोग नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे जो भी हानिकारक गैसें निकलती हैं, विषैली गैसें जिसमें पॉइजनस होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस पे क्रॉस करेंगे। फिर है स्कूल, हम अपने आसपास स्कूल को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल से हमें एजुकेशन मिल रही है, जो हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में अच्छी है। फिर है लेटरिन, कूड़े कचरे का ढेर, ये भी हम पसंद नहीं करेंगे, ये हमारे सराउंडिंग में होगा तो हमारा एरिया गंदा होगा और हम बीमार हो जाएंगे। फिर है बैंक हम पसंद करेंगे अपने आसपास, ताकि हमें कोई भी काम हो बैंक से तो हम आसानी से कर सके और अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। टर्न योर पेज ऑन द पेज नंबर 8, सराउंडिंग, दैट मींस द थिंग्स अराउंड अस, वह चीजें जो हमारे चारों ओर होती है उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर 2।